लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जगदीश गौर LBS कॉलेज से। आज मैं आपको कक्षा 12th क्लास 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में नए साइनदार का जो प्रवेश है उसके अंतर्गत नए अनुपात की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, क्योंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जो है नए अनुपात की गणना अवश्य आती है। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न लिख रहे हैं, एक फर्म में ए और बी, ए एंड बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, 3:2, ठीक है। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, किस अनुपात में, किस रूप में, नए साझेदार के प्रवेश के रूप, नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, किसको, सी। सी जो है यहां पर नया साझेदार है, ठीक है, और उसका लाभ में जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4 रहेगा, 1/4 रहेगा। निम्न दशाओं में आपको नए अनुपात की गणना करनी है यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए। उसने कहा कि सी अपना संपूर्ण भाग, पहली कंडीशन क्या लिख रहे हैं अपन, सी अपना संपूर्ण भाग केवल ए से प्राप्त करे, केवल ए से प्राप्त करे, ठीक है। इस दशा में नए अनुपात की गणना कैसे करेंगे, तो कल लास्ट एक लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नए अनुपात की गणना करना हो, न्यू रेशो कैलकुलेट करना हो, तो ओल्ड रेशो में से जो है सेक्रीफाइस रेशो हम माइनस कर देंगे, त्याग अनुपात माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, नया अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नया अनुपात लिख लेते हैं, नया अनुपात ज्ञात करना है तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, ठीक है। अब पुराना अनुपात यहां पर जो दिया हुआ है ए और बी का दिया है 3/5, 2/5, तो हम तीनों के ही लिख लेते हैं, चूंकि यहां पर ए की कंडीशन दी है कि सी अपना संपूर्ण भाग केवल ए से प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा हिस्सा 1/4 ए जो है सी के लिए त्याग कर रहा है, तो यहां पर हम तीनों का ही नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे एक साथ संक्षिप्त में, ए बी एंड सी लिख लिया। अब यहां आगे चलें अपन, तो ए का पुराना अनुपात क्या है, 3/5 है, सी जो है किससे भाग प्राप्त कर रहा है, ए से, तो ए का, ए द्वारा जो त्याग है वो कितना है आपका, 1/4 है, ठीक है। इसके बाद बी कोई त्याग नहीं कर रहा है तो उसका जो हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, 2/5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। और सी का जो भाग है आया है, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो एज इट इज इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, जब LCM लेंगे तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जब इनका आपस में आप गुणा करो तो एक बार 4 का गुणा 3 में करना तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, और यहाँ 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, ये 5 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका सीधे सीधे सॉल्व होगा, कब, जब यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और आपस में इसका गुणा किया, तो आप जो है ऐसे आप त्रिक गुणा कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर गुणा करना है और फिर बाद में यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। एक नंबर पे यहाँ करना है, दो नंबर पे
यहाँ करना है, ये इसमें जो है क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे इसका एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं रहेगा। फिर 1/4, अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 7/20, किसका हिस्सा हो गया, ए का हो गया। अब यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ 5 है और 4 है, तो यहाँ पर 20 लिखा है, अधिक संख्या ये है, तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब 20 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, 5 4 जा जो है 20 होगा, होगा ना। फिर इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, 20 होगा, 20 लिख दीजिए। अब 20 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा ये, 5 बार जाएगा, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा इस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या होगा, 7 4 5 होगा। क्लियर हो गया, नया अनुपात तीनों का बहुत सरल है। तो आपको जब भी कोई प्रश्न दिया हो और उसमें लिखा हो कि सी या नया साइनदार अपना संपूर्ण भाग केवल ए से ले रहा है, तो ए के उसमें से आप माइनस कर दीजिए। अब मैं यहाँ से अपना एरो हटा देता हूँ, सुधार देता हूँ यहाँ पर, थ्री बाय फाइव माइनस 1/4, ठीक है, ये होगा। तो जब कहा जाए कि ये अपना हिस्सा केवल ए से ले रहा है, तो हम ए के उसमें से माइनस कर देंगे। यदि वो कहता केवल बी से देना है, तो हम बी के यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है, और बाकी को यथावत रहेंगे रखेंगे। तो इस तरीके से जो है तीनों साझेदारों का नया अनुपात आपका आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब कोई साझेदार केवल किसी एक विशेष साझेदार से ही अपना हिस्सा लेता है, तो उसी के पुराने हिस्से में से आपको ये माइनस करना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सी ने अपने लाभ का भाग ए और बी दोनों से बराबर लिया है। मान लीजिए ये दूसरी कंडीशन है हमारी कि दोनों से कैसे लिया हो उसने, दोनों से बराबर लिया हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कैसे नया अनुपात ज्ञात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब यहां पर वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि दोनों से बराबर ले रहा है वो, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इस दशा में हम त्याग अनुपात पहले ज्ञात कर लेंगे। तो त्याग अनुपात दोनों से ले रहा है बराबर, तो कितना हिस्सा है उसका, सी का 1/4, 1/4 का आधा है ना, यही कह रहा है प्रश्न में, आधा बराबर लेगा, तो 1/4 का आधा ए और बी दोनों से बराबर लेगा वो, क्या लेगा वो, दोनों से बराबर लेगा। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू क्या करेंगे, 1/2, आधा, आधा एक मतलब क्या होगा, 1/2, अर्थात 1/8 दोनों के द्वारा, जो ए और बी दोनों जो हैं के द्वारा जो है क्या होगा, त्याग होगा, ठीक है, ए एंड बी। अब हम नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे यहां पर इसी फार्मूले के आधार पर। तो नया अनुपात बराबर लिख लेंगे, नया अनुपात ए का क्या है, तो इसमें पुराना अनुपात क्या दिया है उसका, 3/5 दिया है। अब त्याग अनुपात क्या है इसका, तो दोनों से 1/8, मतलब 1/8 त्याग अनुपात दिया है ए का भी, और बी का भी कितना है, 1/8, तो बी का हिस्सा कितना है, 2/5, तो यहाँ पर 2/5 लिख लेंगे हम, और इसमें से भी 1/8 माइनस कर देंगे, ठीक है। और सी का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना है, 1/4,
ठीक है, या आपको जब सी का कोई हिस्सा कभी कोई प्रश्न में ना दिया हो तो वो पुराने साइंसदार जितना त्याग करते हैं ये जो माइनस है इसको आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो उसका नए साइंसदार का हिस्सा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 और 5 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 40 आएगा। एलसीएम लेते आता है आपको, यदि नहीं तो आपने देखा होगा पहले जब हम छोटी क्लासों में थे तो उस समय हम इस तरीके से ज्ञात करते थे, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करो तो कितना हुआ, जो है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। क्लियर हो गया। अब जब इनका आपस में गुणा करके भी 40 आ रहा है तो हम, मैंने अभी जैसे पहले प्रश्न में कहा तो आप इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हुआ, 8 × 3 = 24 हुआ। इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 × 5 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ भी वो सेम पोजिशन है तो यहाँ भी कितना लिख लेंगे हम, 40 लिख लेंगे, 8 × 2 = 16 लिख लेंगे और 5 × 5 लिख लेंगे। और यहाँ पर इसका कितना भाग लिखा है, 4 है, तो यहाँ पर 40 40 हो गया तो यहाँ भी आप 40 कर दीजिए और ऊपर कितना कर देंगे, 40 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, कितना भाग आया, 19/40 और 11/40 और 10/40। ठीक है, तो 19, 11 और 10 इस तरीके से ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा, अर्थात नए साइंसदार नई फर्म में जो लाभानि बांटा जाएगा वो इस रेशो में बांटा जाएगा। और त्याग अनुपात, जो ख्याति की राशि कम मिलेगी तो पुराने साइंसदार उनके त्याग अनुपात में बांटेंगे, अर्थात आधी आधी बांट लेंगे। कौन के द्वारा जो ख्याति लाई जाएगी, सी के द्वारा। ठीक है, तो सी के द्वारा जो ख्याति की रकम लाई जाएगी, यदि नगद लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स पुराने साइंसदारों के पूंजी खाते क्या कर देंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ऐसा ही है, गलत है। क्या करना है आपको, कैश अकाउंट डेबिट और जो प्रीमियम की जो अमाउंट आ रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है क्या करना है आपको, क्रेडिट कर देना है और फिर प्रीमियम को डेबिट करके पुराने साइंसदारों के पूंजी खाते को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। किस रूप में करना है, बराबर बराबर। ठीक है, जो ख्याति की रकम है वो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर के अनुपात में, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आधा आधा हिस्सा त्याग कर रहे हैं अपने पुराने हिस्से में से। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई प्रश्न यदि आता है इन दो कंडीशन में से कोई भी एक, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, अन्य दूसरी कंडीशन में देखें हम तो पुराने साइंसदार अपने हिस्से का, तो आप इनके पुराने हिस्से में गुणा करके और फिर उसको माइनस करेंगे उनके पुराने हिस्से में से। इसी प्रकार से बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा 2/5 है तो इसका इसमें गुणा करके फिर 2/5 में से उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न में वो कहता है सी अपने भाग का इतना हिस्सा ए से प्राप्त करता है, तो जब ऐसा प्रश्न में दिया हो कि सी अपने भाग का, भाग का तो सी का भाग देखो कितना है, 1/4, और 1/4 में गुणा करके फिर हमें ए में से घटाना पड़ेगा और 1/4 में गुणा करके फिर हमको जितना भी बी दे रहा है उतना भाग बी के हिस्से में से हमें घटाना होगा। तो जब भी आपको अनुपात की बात आए तो उसकी जो भाषा जो लिखी रहती है प्रश्न में उसको बड़े आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से 5 परिस्थितियों को समझा दिया है। एक फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं, मेरा जो पहला जो लेक्चर है उसमें ये कहा है कि ए अपने हिस्से में से इतना भाग तो उसको सीधे सीधे माइनस करना है। ठीक है, यदि वो कहता है ए अपने भाग का तो ए के हिस्से में गुणा करके फिर ए के भाग में से आपको घटाना है। ठीक है, का और से ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये दो कंडीशन हो गई। कभी कभी प्रश्न में ये कहता है कि सी नया साइंसदार अपने भाग का, तो अपने भाग का तो सी का भाग जैसे 1/4 है,
इसमें गुणा करके और फिर उसको जो है पुराने साझेदारों के पुराने हिस्से में से आपको घटाना चाहिए। तो ये कितनी कंडीशन हो गई, तीन। इन तीनों बातों पर उनके जो सेंटेंस होता है उस पर आपको बड़ा ध्यान देना है, अन्यथा आपका नया अनुपात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपकी एक ये कंडीशन है कि यदि कोई नया साझेदार मीन्स यहाँ पर सी है और संपूर्ण अपना भाग वो किससे प्राप्त कर रहा है, ए से कर रहा है, तो केवल ए के हिस्से में से आपको घटाना है। यदि वो बी से ले तो बी से के हिस्से में से घटाना है। ए का पुराना भाग यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसी प्रकार से अब यहाँ पर वो कह रहा है सी अपना हिस्सा दोनों से यदि बराबर बराबर प्राप्त करता है, तो सी का हिस्सा कितना है, एक बटे चार। अब एक बटे चार का आधा, ठीक है, एक बटे चार का आधा, तो ऐसा लिख लेना आप एक बटे चार का आधा। तो आधा आधा मीन्स एक बटे दो लिखते हैं, इसका ध्यान रखना है ना, कभी बहुत गड़बड़ी होती है यहाँ पर। तो एक बटे चार का आधा, तो इस प्रकार से एक बटे आठ होगा। वो कहे एक बटे चार, एक बटे पाँच का आधा, तो कितना होगा, एक बटे दस हो जाएगा। एक बटे पाँच का आधा कितना, एक बटे पाँच का आधा एक बटे दो, तो कितना हुआ, एक बटे दस हुआ। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। वो कहे कि एक बटे छः का आधा, एक बटे छः का आधा कितना होगा बताओ, बारह होगा, एक बटे बारह होगा। तो इस तरीके से आपको आधा हिस्से की बात करता है, तो वहाँ कहीं गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि हमें नए अनुपात की गणना कैसे करनी है नए साझेदार के प्रवेश पर, और ख्याति इसका उपयोग क्या है। मैंने आपको इसका उपयोग मूल रूप से आपको बताया है कि ख्याति का लेखांकन करने के लिए जो है इस अनुपात की प्राय गणना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ख्याति की रकम को किस अनुपात में बांटा जाना है, त्याग के अनुपात में बांटा जाना है, ठीक है। तो आज के लिए जो है नए अनुपात की गणना मेरे लेक्चर के अनुसार जो है ख़त्म होती है, और आशा है कि आप यदि परीक्षा में आप ये इस तरीके को कोई प्रश्न आता है तो निश्चित ही जो है आसान तरीके से आप उसको हल करने में आपको मदद मिलेगी, और आसान ढंग से आप उसको हल कर सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।